चाचो कैंडी कम है, आ जाओ अपन वीडियो में आ जाओ। तो हम लोग ऐसे शाम को थोड़ा सा घूम के आए, और मतलब ऐसे ही शाम को आई हुई था जब काम करके गई, तो निकल लिए थे। थोड़ा हमको कैंडी के लिए ग्रास चाहिए थी, तो वो ग्रास लेने हम गए थे। अच्छा ऐसे ना नॉर्मली कुछ देखो, मेरे पास डेली ब्लॉग में कुछ नहीं होता, सीरियसली मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है सुबह उठ के कैमरा लगा के ना किचन में जाके काम करने लगूँ। करती हूँ मैं काम, बट वो कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ता है वरना मेरा खाना जल जाता है। सीरियसली अगर मैं ना वीडियो बना बना के ना काम करती हूँ ना, मेरा खाना जल जाएगा। मैं भी इस खरगोश की जैसी हूँ, डायरेक्शन लेस कभी कभी। आज ऐसे ही नहीं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे डिस्कशन करना है। छोटा छोटा सा जरा सा टाइम लूंगी आपका, ज्यादा नहीं लूंगी। अभी जो न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, आजकल में पढ़ा, हाँ आज ही पढ़ा, तो कोई सिद्धांत करके कोई एक्टर है, उसकी जिम में डेथ हो गई। और इससे पहले भी एक दो एक्टर्स के साथ ऐसे ही हुआ है। एक की जिम में हुई थी, और एक बहुत जिम करता था 3-3 4-4 घंटे, और उसके खेलते खेलते डेथ हो गई थी। मतलब कोई ना कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम इनकी डेथ हो गई। हाँ जैसे हमारे फैमिलीज में तो लोग कहते हैं, अरे क्यों करनी एक्सरसाइज, क्यों करनी है ना, जब ये देखो इनको देखो, ये इतने एक्सरसाइज करते हैं, इतना फिट रहते हैं, क्या हो रहा है इनके साथ। एक्ट्रेसेस को कैंसर हो जाता है, एक्टर्स को कैंसर हो जाता है, इतना फिट रहते हैं, इतने डाइटिशियन आगे पीछे लगे रहते हैं इनके, फिर भी। तो पता है मेरे को क्या, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, और वॉक भी करती हूँ कभी वॉक, बट आई कीप चेंजिंग है ना, कि कभी वॉक कर लिया, कभी एक्सरसाइज कर लिया, कभी कुछ भी नहीं किया है ना। और डाइटिंग का भी मेरा ऐसा है कि कभी करनी है करनी है, नहीं करनी है नहीं करनी है। अभी खाया मैंने 2 दिन, 2 दिन नहीं, अभी मैं पिछले 2 महीने से ही खा रही हूँ बढ़िया अच्छा, जम जम के है ना, तो वो दिख भी रहा है मेरे मुंह पे। नहीं खाती ना तो मेरा चेहरा पचक जाता है। मेरे पिछले कुछ वीडियो में देखना आप, जब मैंने डाइटिंग की थी, मेरा सबसे पहला मेरा फेस ना ऐसा पिचकू हो जाता है। तो ऐसे यार मतलब अच्छा नहीं लगता है कि लोग ना फिट रहते रहते ही मर रहे हैं, मतलब फिट रहते रहते भी उनकी डेथ हो रही है। तो दिस इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। ऐसे देखो मेरे को क्या रीजन समझ में आता है, देखो ये रीजन समझ में आता है, ये लोग ना अति करते हैं, अति एक्सरसाइज करते हैं, अति डाइटिंग करते हैं, अति सप्लीमेंट्स लेते हैं। आई रियली फील दैट, देखो मौत पे तो किसका बस ही नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ भी। बट कभी कभी यही समझ में आता है कि ना, एक तो ये लोग ये नहीं समझ पाते कि इनकी ना एज हो रही है, मतलब 40 की उम्र में भी अपने आप को यंग समझ रहे होते हैं। इनको लगता है कि हम बहुत यंग है अभी भी 40 में भी। है एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, और आप वंस यू क्रॉस 40 या 35 यू शुड स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन तो हो जाना चाहिए। मतलब 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो तो यार थोड़ा सा बॉडी डिटीरियोरेट होती है, मतलब सेल्स टूटती फूटती रहती है बॉडी के अंदर अंदर, और ये प्रोसीजर ज्यादा हो जाता है जब हम थोड़ी एजिंग में आते हैं। लेडीज में और भी ज्यादा होता है, जेंट्स में भी होता है, तो लेडीज में और ज्यादा होता है। अपनी हेल्थ का ना सब लोग ख्याल रखो, और ये मत सोचो कि ये लोग ना जिम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी तो मर रहे हैं ना, तो ये सोचना तो गलत है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, अति तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना वो एक्सरसाइज की हो, ना वो डाइटिंग की हो, और ना ही वो खूब खाने की भी हो। जो जो खाते हैं जैसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं अरे जियो बढ़िया जिंदगी खाने के लिए, ऐसा भी नहीं होता। हाँ जियो खाओ पियो मस्त रहो। ये लोग क्या करते हैं ना, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये लोग मन बहुत मारते हैं, बहुत मन मारते हैं। मतलब अब आपने कई बार सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फलाना एक्ट्रेस की ऐसी इच्छा हुई कि मैं तो मोती चूर के लड्डू खाऊं। अब मतलब हमारी क्या इच्छा होगी मोती चूर के लड्डू खाने की, बताओ। हम तो वैसे ही खा लेते हैं मोती चूर के लड्डू, नहीं अपन कॉमन मैन की नहीं होती ऐसी, मतलब बहुत बड़ी थोड़ी ना इच्छा है उनकी। ऐसी इच्छा होती है कि काश मैं पूरी तली हुई खाऊं, काश मैं पराठे खाऊं। अरे यार ये तो नॉर्मल है हम लोगों के लिए। नहीं जो ये काश काश करके खाते हैं, तो ये यार ये ऐसी मतलब दिस इज रियली डिसहार्टनिंग कि कोई जिम करते करते जिस किसी की डेथ हो गई, मैसिव हार्ट अटैक हो गया, तो डर जाते हैं भाई हम लोग कि जिम जाएं कि नहीं जाएं। तो नहीं मेरे को भी ना, जैसे जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, मुझे बोलते हैं कि आप पर्सनल ट्रेनर ले लो, मैं नहीं चाहिए मुझे पर्सनल ट्रेनर, आई नो कि मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है, और मुझे मेरे को नहीं होना एकदम पतला, मुझे नहीं होना एकदम पतला, और कुछ नहीं। और मेरे पास तो काम तो है, थोड़ा बहुत काम है मेरे पास, ऐसे कैंडी की सुसु पोटी साफ करनी है। ये जब से कैंडी मेरे घर में आई है ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि मिहिका का वो बचपन वापस आ गया है, जब मैं उसकी सुसु पोटी साफ करती थी। दिस इज दिस एनवायरमेंट इज क्लियरली नॉट फॉर कैंडी,
आई एम नॉट श्योर ये कितने दिन तक हमारे पास है, क्योंकि मैं उसको कई बार जब ऐसा डिक करता हुआ देखती हूँ ना, आई रियली फील बैड फॉर हर कि यार इसके साथ हम सही नहीं कर रहे हैं। बस मिहिका का थोड़ा मन है, बस तब तक के लिए ये मेरे पास है। इसको धूप नहीं मिलती मेरे घर में। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे घर में ना इसको धूप नहीं मिलती और मैं इसे बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि हमारी कॉलोनी में कुत्ते बहुत हैं। बिकॉज वी हैव मैनी डॉग लवर्स हियर। तो मतलब एनिमल लवर होना चाहिए इंसान को। डिस्पाइट ऑफ बिकमिंग एन एनिमल लवर, पीपल आर बिकमिंग ओनली डॉग लवर्स। तो यार ऐसे ये गलत है, पता है। और वो डॉग्स ना किसी को भी बाइट भी कर लेते हैं, तो फिर वी कैंट से एनीथिंग। और हमारी इस जरा सी जान को नीचे के लेके जाना उन जंगली कुत्तों के बीच में, तो इम्पॉसिबल कि मैं इसको धूप में लेके जाऊं थोड़ी देर। अदर एनिमल्स आर ऑल्सो एनिमल्स ना, उनकी भी जान है। सिर्फ कुत्ते कुत्तों में ही जान नहीं होती है ना, जान सभी जानवरों में होती है। आई लव डॉग्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है। मैं हमारे नीचे प्रिंसी आती है, उसको भी हम उतना प्यार करते हैं, और स्ट्रीट डॉग्स को भी हम खाना डालते हैं। बट वी आर नॉट ओनली डॉग लवर्स, वी आर एनिमल लवर्स। और क्या बातें हैं यार। मैंने देखा है यूट्यूब पे ना, मतलब जो हाउसवाइफ्स के चैनल होते हैं ना, वो बैठ के ना अपना दुखड़ा रोती है और आप सुनते हो। भगवान की दया से ना मेरे पास कोई दुखड़ा नहीं है कि जो मैं यहाँ रो, तो इसका मतलब मेरा चैनल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा यार, मेरी शक्ल पे मत जाना आप प्लीज, मैं बहुत भोली हूँ। मेरा चेहरा भगवान ने ना बहुत चालाक बनाया, बहुत चालाक। लोगों को लगता है तो बहुत चालाक है। हाँ सच में, देखो लग रहा है ना एक्सप्रेशन। और मैं नहीं हूं, मैं बहुत बोली हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं यार तुम यू आर नॉट अ टिपिकल वुमेन। मतलब सच में मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बोली हूँ। मेरे को नहीं समझ में आती दुनियादारी प्लीज। तो और मेरे पास भगवान की कृपा से ना, भगवान की कृपा से लिटरली, मतलब देखो मेरे को एक मीडियम मिला है कि मैं बताऊं लोगों को कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि भगवान की दया से ना मेरे को ससुराल भी बहुत अच्छा मिला है। ऐसे जब आप ऐसे पहले मैं ऐसे इधर उधर तारीफें कर देती थी, तो उनको थोड़ा ना पता चलता था कि मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। अभी तो उनको पता चल जाता है कि भाई मैं तारीफ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि देखो मेरे को कोई बंदिश नहीं है ना, और बंदिश नहीं है तो मैं जनाजा फायदा भी नहीं उठाती उस बंदिश का, मतलब उस फ्रीडम का। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको आपके ससुराल में अगर आप बेटी जैसे हो, तो वही सबसे बड़ी बात है। इनफैक्ट मेरे कोई भी कुछ भी बोल देता है, मैं फट मान लेती हूँ। मतलब मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट करती हूँ ना। एंड नाउ आई हैव अ कंपेनियन, माय हस्बैंड, जो ही नोस कि इसको कहाँ रोकना है। कि इसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, चुप, एकदम बिल्कुल शांत, मैं जो बोलूंगा वो देखते हैं, रुक जा। मतलब ऐसा ऐसे रोकते नहीं हो मेरे को, लेकिन ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा नहीं, बट ही कीप्स आई ऑन माई एक्टिविटीज एंड आई हैव गिवन हिम द परमिशन कि आप प्लीज हाँ देख लिया करो। मेरे को नहीं समझ में आती बहुत सारी बातें, भले ही मैं कितनी ही 21 साल के बाद से कहीं भी कितना ही दुनिया में बाहर घूमी हूँ, मतलब दुनिया में बाहर मतलब जॉब के लिए, कि नोएडा रही हूँ, गुड़गांव रही हूँ, दिल्ली रही हूँ, और दिल्ली गुड़गांव नोएडा में अगर लड़कियां रह जाएं, तो हम आज देखते हैं जब हमसे छोटी छोटी 10 10 15 15 साल की लड़कियां जब दिल्ली गुड़गांव नोएडा जा रही हैं, तो भी वो दे हाउ दे आर, मतलब उनका कैसा, हाउ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड एक्चुअली, ये कहना चाहिए। और हम आज भी वैसे ही हैं, हम में कोई ज्यादा चेंज आया नहीं है। मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मैं दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुड़गांव नोएडा या मुंबई रह के मेरे में इतना चेंज आ गया हो कि मैं मेरे को कोई पहचान ही आ सके। स्मार्टनेस होनी चाहिए, बट वो नहीं होना चाहिए कि यार अब तो हम दिल्ली में रहते हैं, नहीं कुछ भी करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आया ही नहीं, वो कभी भी नहीं आया। और क्या पॉइंट क्या था मेरा, क्या पॉइंट था मेरा, मैं बातें करते करते भूल गई। आप सुनोगे पता नहीं, 18 मिनट का तो बोल दिया मैंने, यहाँ पे काटना पड़ेगा। कभी कभी ना मेरे अंदर से यूं आती है कि यार तुम लोग देख क्यों नहीं रहे मेरा चैनल। जैसे आज ये वीडियो बनाई मैंने, चलो आज की वीडियो तो बकवास मान लो, कुछ नहीं है इस वीडियो में, मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। और पर आप देखते हो, हाँ लेडीज लोग ऐसे बातें करती हैं और आप सुनते हो। 15 15 मिनट बातें करती हैं लेडीज लोग, एंड यू रियली लिसन टू देम कि क्या बातें कर रही है वो, रो रो के अपनी मेरी सास की बुराई, मेरे ससुर की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई करती रहती है, और आप सुनते हो। अभी मैं किसकी बुराई करूं, किसकी करूं, मैं नहीं कर सकती। नहीं है कोई भी ऐसा मेरी लाइफ में जिसमें बुराई करूं यहाँ पे बैठ के।
और नहीं है, देवर देवरानी भी नहीं है यहाँ पे, वो भी गया अमेरिका। तो किसकी बुराई करूँ मैं, नहीं रो सकती ना मैं, रोना नहीं रो सकती ना यहाँ बैठ के। तो यार जो मैं फन वीडियोस बनाती हूँ, हम ट्रेवल ब्लॉग्स बनाते हैं, देख लिया करो यार। हाँ इतनी सारी कॉमेडी वीडियोस पीछे बना रखी है मैंने, क्यों देखते हैं? थोड़ा सा आई डोंट नो, मैं और जिस भी वीडियो में मैं कहती हूँ ना कि यार प्लीज लाइक कर दो, आप करती हूँ। मैं दिल का गुबार है जो निकल रहा है बाहर। हम ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं और हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, सटायर्स बनाते हैं, सटायर का मतलब कटाक्ष होता है, कटाक्ष वीडियोस बनाते हो। हेलो, बहुत हो गई बात, बहुत हो गई बकवास। बकवास नहीं थी एक्चुअली, सॉरी, बकवास नहीं थी, बकवास नहीं थी, दिल का दर्द था मेरा। ठीक है, प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, प्रॉपर ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।